जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल पे। वैसे तो हम कल भी जाने वाले हैं लेकिन आज हमें गोल्डन टेम्पल नाइट में देखने का था, इसलिए हम अभी नाइट में जा रहे हैं। तो यहाँ के जो रिवाज है कि यहाँ पे सर पे पतंग बांधना पड़ता है। हाँ, ये कंपलसरी बांधना पड़ता है। तो अभी जस्ट हमने बांध लिया है, अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में। वहाँ पे जाके आपको पूरा दिखाता हूँ नाइट में गोल्डन टेम्पल कैसा दिखता है। और यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो ठीक से मैं शायद से दिखाई नहीं दे रहा हूँगा। तो चलो फिर मिलते डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल में। बाय। ये है गोल्डन टेम्पल के बाहर का सीन, आप देख सकते हो कितनी बड़ी एरिया है ये। तो बस अभी हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो कल भी हम आएंगे और कल की मेरी ड्रेसिंग कुछ अलग रहेगी, वो हमने बहुत सोच के ड्रेसिंग लाई है कल के लिए। आज हम सिर्फ नाइट में गोल्डन टेम्पल कैसा दिखता है वो देखने आए हैं। तो चलो फिर अभी मिलते डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल के अंदर ही। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। तो चलो फिर अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है। एंट्री से लेके यहाँ पर गेट तक बहुत अच्छा सीन था और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स थे यहाँ पर। तो अभी तो हम पहले मंदिर में जाते हैं, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे बाहर। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हो मंदिर के बाहर का ये नज़ारा है। अभी अभी हम जस्ट अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो देख सकते हो मेरे बैक साइड में पूरा गोल्डन टेम्पल है ये। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हो बाहर का पूरा सीन है। आइस में चलते रहे लाइट जो। तो ये है मेन गोल्डन मंदिर, गोल्डन टेंपल जिसे बोलते हैं सब। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे गोल्डन टेम्पल है। जो सीन बाघा बॉर्डर पर हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी कैमरे से कोई शूट नहीं करना किया देना जा रहा है, तो यहाँ पे भी मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो फिर आप देख सकते हो पीछे मेरे गोल्डन टेम्पल है, ये है पूरा गोल्डन टेम्पल का सीन। ये देख सकते हो गुरुद्वारा के अपोजिट में ही है ये शनि मंदिर है।
ये 1761 में बना हुआ मंदिर है, मतलब 350 साल पहले का मंदिर है ये। देख सकते शनि मंदिर है और गुरुद्वारा के अपोजिट में ही है टोटल। तो अभी तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, यहाँ पे गुरुद्वारा के बाहर ही बहुत बड़ा शॉपिंग का एरिया है, तो अभी जस्ट हम वहीं पे जा रहे हैं, तो चलो फिर शॉपिंग करते हैं। ये केसर मिल और ये पूरा है मार्केट, देख सकते कितना बड़ा मार्केट है ये। तो चलो गाइस, मेरी शॉपिंग अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सब ले लिया मैंने, तो अभी वापस से कल आऊँगा मैं यहाँ पे गुरुद्वारा में, तब देखते कुछ मिला तो, नहीं तो फिर अभी शॉपिंग तो वैसे एंड हो गई, मेरे बैग में भी जगह नहीं है अभी, मुझे खुद को दूसरी बैग लेनी पड़ने वाली है अभी, तो चलो फिर निकलते हैं। लेकिन आप आजू बाजू में देख सकते हो मार्केट अभी भी बहुत भरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपके चैनल का? केतन नाइक। क्या? केतन नाइक।